नमस्कार दोस्तों, अभी अभी की सबसे बड़ी खबर। प्रेमिका के साथ रंगरेलिया मनाते रंगे हाथों पकड़ा गया सिपाही। दोस्तों उसके बाद क्या था, पत्नी ने सभी के सामने पति की कर दी जमकर पिटाई। यूपी में पुलिस कर्मियों के रंगीन मिजाज के किसी से छिपे नहीं हैं। बीते दिनों एक आईपीएस की वीडियो खूब वायरल हुई थी। इस बार कानपुर के एक सिपाही को रंगरेलिया मनाना भारी पड़ गया। पत्नी ने सिपाही को प्रेमिका के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया, जिसके बाद पत्नी ने आरोपी सिपाही पति की जमकर पिटाई कर दी। यही नहीं, पति की करतूतों का पत्नी ने वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। आरोपी पति पर कार्रवाई के लिए पत्नी ने एडिशनल एसपी से शिकायत की है। शिकायत के बाद अधिकारियों ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया है। आरोपी सिपाही राजीव यादव नौबस्ता थाने में तैनात है। इससे पहले भी वे विवादों में रहा है। नौबस्ता मछरिया निवासी विजय राजे यादव कांस्टेबल राजीव यादव की पत्नी है। उन्होंने अपने कांस्टेबल पति राजीव यादव को लखनऊ स्थित एक फ्लैट में किसी गैर महिला के साथ आपत्तिजनक हालत में पकड़ने का दावा किया है। बताया जा रहा है कि पति को गैर महिला के साथ पकड़ने के बाद वहाँ घंटों हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। कांस्टेबल राजीव यादव का एक फर्जीवाड़ा भी सामने आया है। कांस्टेबल पद पर तैनात राजीव यादव ने उप निरीक्षक पद का एक फर्जी आईडी कार्ड भी बनवा रखा है, जो सोशल मीडिया में वायरल है। पत्नी विजया राजे यादव का आरोप है कि उप निरीक्षक के फर्जी आईडी कार्ड से राजीव यादव एक साल से उगाही कर रहा है। कांस्टेबल की पत्नी राजे का आरोप है कि पति औरैया का रहने वाला है। दोनों की शादी कई साल पहले परिजनों ने पारंपरिक रीति रिवाज से की थी, लेकिन जब पति लखनऊ में था तो उसने कई महिलाओं से संबंध बनाने शुरू कर दिए थे। कांस्टेबल राजीव को गैर महिला के साथ पकड़ने के बाद पत्नी विजय राजे ने नौबस्ता थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की थी, लेकिन कई दिन बीत जाने के बाद भी जब कार्रवाई नहीं हुई तो पत्नी विजय राजे ने डीसीपी साउथ दफ्तर पहुंचकर अपने कांस्टेबल पति की शिकायत की और कार्रवाई की मांग की। दोस्तों इस प्रकार से नहीं करना चाहिए। देश दुनिया से जुड़ी हर प्रकार की अपडेट चैनल पर मिलती रहेगी। चैनल अभी ही सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर करें।